गुड मॉर्निंग माई ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है? तो अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अपना मूवमेंट एंड लोकोमोशन चल रहा था, देखो, जिसके अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन जब सबसे पहले जब अपन ने शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था मूवमेंट एंड लोकोमोशन किस में हेल्प करता है, बॉडी का हमें मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, कि यहाँ से इस स्टेज से पहुँच के बॉडी स्पेस पे पहुँच गई। ठीक है, इसमें कौन हेल्प करता है अपना मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, जिसमें आते हैं कि अपने मसल्स उलाते हैं और अपना स्केल्टन सिस्टम आता है, जिसके स्केल्टन सिस्टम के अंदर अपने बोन्स आती हैं और कार्टिलेज आते हैं। ठीक है, और मसल्स के अंदर अपनी मसल्स आती हैं, जिसमें अब मैंने आपको बता दिया था कि मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है। कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, या फिर जैसे देखो बॉडी के अंदर, जैसे अपनी एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर पेरिस्टाइलिस हो रही है, तो वो पेरिस्टाइलिस कैसे होती है, वो मसल का कॉन्ट्रेक्शन है। मसल के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या हो रही है, पेरिस्टाइलिस हो रही है और खाना जो है वो ऊपर से नीचे पहुंच पा रहा है। ठीक है, जब फिर अपने बात की कि यहाँ से कोई बंदा है, यहाँ से दूसरी जगह पहुंच गया, यहाँ से तीसरी जगह पहुंच गया, ऐसे जब चल के कोई बंदा जाता है तो वो लोकोमोशन हो गया उसकी बॉडी का, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है उसकी बोन्स की वजह से। ठीक है, जिसमें कौन हेल्प करती है, बोन्स हेल्प करती हैं। ठीक है, तो बोन्स में मैंने आपको बताया था स्केल्टन सिस्टम, है ना। स्केल्टन सिस्टम दो टाइप का बताया था मैंने, एक तो बताया था कौन सा, एक तो बताया था मैंने एक्सियल स्केल्टन सिस्टम, और दूसरा कौन सा बताया था देखो, स्केल्टन सिस्टम दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है थोड़ा, स्केल्टन सिस्टम। ठीक है, स्केल्टन सिस्टम मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है, पहला कौन सा, एक्सियल स्केल्टन सिस्टम, और दूसरा कौन सा, अपेंडिकुलर स्केल्टन सिस्टम। ठीक है, फिर अपन ने शुरू किया था एक्सियल के अंदर कौन सा आता है, कि कोई बंदा है उसको बीच में से, मतलब उसके बीच में से अपन ने उसके यहाँ से अपन एक्सिस से लेके अगर अपन उसको काउंट करें तो जितनी बोन्स इस एक्सिस को टच करती हैं वो सभी किस में आती हैं, एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। और जो बोन्स अपने हाथ और पैरों की जो बोन्स बच गई, जो बाकी बोन्स जो बच गई वो किस में आएंगी, उसके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, फिर एक अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में क्या आते हैं, अपने लेग्स आते हैं, है ना, और अपने आर्म्स आती हैं। ठीक है, और गर्डिल्स आते हैं। ठीक, गर्डिल्स क्या होते हैं, गर्डिल्स उस पार्ट को बोलते हैं जो कि एक्सियल स्केल्टन और अपेंडिकुलर स्केल्टन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, गर्डिल बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में। अब देखो एक्सियल स्केल्टन, एक्सियल स्केल्टन के अंदर अपने पास क्या आता है, स्कल आता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, ठीक है, रिब्स आते हैं, स्टर्नम आता है, ये अपने किस में आते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, बाकी फिर बच गया कौन सा अपने पास, अपेंडिकुलर के अंदर अपने बच गए लेग्स और आर्म्स। टोटल बोन कंप्लीट हो जाएंगे जब अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो अपने पास टोटल कितनी बोन्स आ जाएंगी, 206 बोन आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो फिर अपन ने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था स्कल, स्कल के अंदर शुरू किया था अपन ने, एक मिनट, स्कल में क्या क्या आता है, क्रेनियम आता है जो कि ब्रेन को कवर करके रखता है, और फिर फेसियल आता है। ठीक है, और एक हायोड बोन आती है, क्रेनियम के अंदर ही आती है हायोड बोन भी, ये सारे किस में आते हैं, स्कल वाले में आते हैं। ठीक है, जैसे लिख लो एक बार, स्कल, स्कल में क्या आता है, क्रेनियम आता है, क्रेनियल बोन्स जिनको बोलते हैं, फेशियल बोन्स इसमें आती हैं। ठीक है, एक हायोड बोन आती है इसके अंदर। ठीक है, और एक किसके अंदर आते हैं, ईयर ओसिकल्स। ठीक है, इतना समझ में आया, ये सारा मैं क्लियर करा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, आप पिछले लेक्चर जाके अटेंड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्रेनियम अपन ने कंप्लीट कर लिया था, क्रेनियम के अंदर कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है, कौन कौन सी होती है,
फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और स्फेनोइड और एथेमोइड, है ना। फेसियल के अंदर हायोडेक की बोन होती है जो एनी किसी अदर बोन से अटैच नहीं होती है। ईयरोसिकल्स 3 होती हैं, मेलेसिनकस और स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी बोन है, इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक। उसके बाद अपन ने देखा था, इतना कर लिया अपन ने। फिर एक्सियल स्केलेटन के अंदर अपना स्कल कंप्लीट हो गया था। फिर और क्या आता है इसके अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर अपना स्टर्नम आता है और अपनी रिब्स आती है। तो आज अपन करेंगे अपने स्टर्नम को और रिब्स को। एक सेकेंड, आज अपना करेंगे अपन, देखो रिब्स करेंगे, ठीक है। जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, तब मैंने आपको इतना क्लियर करा दिया था आपको मैंने कि रिब्स जो होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है, ठीक है। रिब्स कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। जो कि क्या है, पीछे से किससे जुड़ती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है, और आगे आके किससे जुड़ती है, स्टर्नम से अटैच होती है। तो देखो रिब्स, रिब्स के फीचर लिख लो, 12 पेयर, ट्वेल्व पेयर होती हैं, ठीक है। रिब्स, ये पेन नहीं चल रहा सही से, इससे लिख लो। रिब्स, जॉइन, वेंट्रली, रिब्स, जॉइन, वेंट्रली, स्टर्नम, वेंट्रली किससे अटैच, वेंट्रल और डोर्सल, आपको दो साइड बताई थी मैंने। डोर्सल साइड कौन सी होती है, जो अपनी पीछे वाली साइड होती है, और वेंट्रल साइड आगे वाली साइड को बोलते हैं। तो आगे से किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से जुड़ी होती है। स्टर्नम को अपन चेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। और एंड जोइन डोर्सली किसे, वर्टिब्रल कॉलम। आगे से किससे जुड़ी होती है, चेस्ट बोन से जुड़ी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है जिसको बैक बोन बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, इतनी बात क्लियर है। और देखो रिब्स जो होती कितनी है, 12 पेयर है, मतलब टोटल कितनी रिब्स हैं, 24, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। इसे आगे की तरफ ऐसे अपन देखेंगे तो ये क्या है, अपनी स्टर्नम है, चेस्ट बोन है। यहां से निकलती है कोई भी बोन है वो यहां से निकलती है, रिब्स है वो, और आगे आके स्टर्नम से अटैच होती है ऐसे, ठीक है। इधर भी ऐसे ही पेयर्स में होती है ना, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी यहां से निकलेगी, यहां अटैच होगी, इधर से निकलेगी, इधर अटैच होगी। तो इसका ये वाला पार्ट है ना, देखो ये कार्टिलेज से जुड़ा होता है, ये कार्टिलेज से जुड़ा होता है, और इस कार्टिलेज को बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। देखो ये बैकबोन है, आगे चेस्ट बोन है। जब बैकबोन पीछे से किससे अटैच है, रिब से अटैच है, तो ये रिब पीछे से दो, इसके क्या है, दो पॉइंट से अटैच होती है, इसे वर्टिब्रल कॉलम से दो पॉइंट से अटैच होती है, और ये आगे आके स्टर्नम से एक पॉइंट से अटैच होती है। तो ये इसका ये वाला जो पार्ट है, ये कार्टिलेज से इसके साथ अटैच है, इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था। कार्टिलेज भी क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और बोन भी क्या है, एक तरह का टिश्यू है। तो कार्टिलेज कैसा टिश्यू है, कार्टिलेज बोन से थोड़ा सा वीक है। कार्टिलेज कैसा है, स्ट्रोंग टिश्यू है, और ये है थोड़ा सा लचीला टिश्यू है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब देखो ये ऐसे कितनी कितनी पेयर आएंगी, ये 12 पेयर आएंगी ऐसे ही।
इतनी बात समझ में आई आपको? इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो है ना, देखो एक बार अपन इसको कहाँ से हटाऊं, कार्टिलेज तीन टाइप के होते हैं। कार्टिलेज बता देती हूँ पहले आपको, कार्टिलेज क्या होता है अभी जान लो, फायदे में रहोगे, बाद में फिर फिरते फिरोगे मेरे को कार्टिलेज नहीं आता। देखो कार्टिलेज तीन तरह के होते हैं, येलो कार्टिलेज, दूसरा होता है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, और थर्ड होता है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक, येलो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज है वो थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश कलर का होता है और सबसे वीक होता है, वीकेस्ट। मतलब तीन टाइप के कार्टिलेज है ना, उन तीनों में से सबसे वीक कौन सा होता है? ये वाला हाइलिन कार्टिलेज वीक होता है। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो है सबसे स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंगेस्ट। सबसे स्ट्रोंग कौन सा होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक। इतनी बात समझ में ही। और सबसे वीक कौन सा हो गया? हाइलिन कार्टिलेज। तो कोस्टल कार्टिलेज जो है ना, कोस्टल का मतलब आपको पता है ना, कोस्टल जहां पे पड़ा जाता है वो किसके लिए है? अपने रिब्स के लिए आता है, ठीक है। तो ये कोस्टल कार्टिलेज है, ये किसका बना है? ये हाइलिन का बना है, हाइलिन कार्टिलेज। और एक जगह पढ़ा था अपन ने, ट्रेकिया के अंदर सी शेप के छल्ले होते हैं जो किसके बने होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक। इतना कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो आगे चले, ये वाला जो देखो मैंने आपको बताया ना, ये दो पॉइंट से अटैच होती है, इसके दो दो पॉइंट अटैच कर रहे हैं इसके, तो ये दो पॉइंट अटैच कर रहे हैं, इस वजह से रिब्स को बोलते हैं, रिब्स आर बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं इसको? रिब्स आर बाइसिफेलिक। बाइसिफेलिक का मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है दो, और सिफेलिक मतलब सिफा, जहां भी पढ़ा गया ना सिफ है, CEPH, सिफा का मतलब होता है एक तरह से, सिफा होता है हेड, हेड सिफेलोकॉर्डेटा। या जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मैं बता दूंगी, अभी आप एक बार सिफे का मतलब समझ लो। बाइसिफेलिक का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो रिब्स जो है अपनी, जो स्टर्नम से आके जुड़ती है पीछे से, वर्टिबल कॉलम से आती है, तो वर्टिबल कॉलम के इसके ये ऐसे अटैच होती है दो, है ना, एक रिब के दो हेड होते हैं, कहने का मतलब ये है एक रिब के कितने हेड होते हैं? दो हेड होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइसिफेलिक। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको याद रखना आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ये भी याद रखना कि बाइसिफेलिक है वो, बाइसिफेलिक वाला सिरा जुड़ा कहाँ है ना, जिसके दो हेड है वो हेड, दोनों हेड कहाँ जुड़े हैं? वो वर्टिबल कॉलम से जुड़े हैं, ठीक, कोई डाउट नहीं है, चले आगे। अब देखो मैंने बताया आपको रिब्स जो होती है वो कितनी होती है? 12 पेयर होती है। कितनी होती है? 12 पेयर होती है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट सेवन जो होती है ना, फर्स्ट सेवन पेयर को बोलते हैं ट्रू रिब्स। फर्स्ट सेवन रिब्स हैं उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो फिर फाल्स रिब्स भी कुछ होती होंगी। फाल्स रिब क्या होती है? फाल्स रिब, पहले ट्रू रिब समझो क्या होती है। ट्रू रिब उन रिब को बोलते हैं जो पीछे से वर्टिबल कॉलम से आती हैं और आगे आके स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होती है, ठीक, पीछे से आई, आगे आके स्टर्नम से अटैच। तो सेवन जोड़ी है ना, 1 2 3 4, 1 2
2, 3, 4, 5, 6 हो गई, 7। पीछे से वर्टिबल कॉलम से आती हैं और आगे आके स्टर्नम से अटैच होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। फिर 8th, 9th और 10th, ठीक है, 8th, 9th और 10th तीन है जो वर्टिबल कॉलम से तो आती है लेकिन आगे आके स्टर्नम से टच नहीं होती। देखो वो कहाँ से आती है, 7th रिब है ना, 7th रिब से निकलती है वो और स्टर्नम से अटैच होती है। 7th रिब से निकलती है और स्टर्नम से अटैच होती है, मतलब वो किससे जुड़ी हैं, वो डायरेक्ट वर्टिबल कॉलम से नहीं जुड़ी है, वो कहाँ जुड़ी हैं, वो 7th रिब पे जुड़ी हैं, ठीक है। और दो होती है, वो होती है फ्लोटिंग रिब जो कि स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। 11th और 12th होती हैं, 11th एंड 12th, 11th 12th होती है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग का मतलब वो ऐसी तैरती रहती है, वो किसी भी मतलब वो आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, वो ऐसी ही तैरती रहती है। देखो कितनी पेयर है टोटल, टोटल 12 पेयर, 12 पेयर में से 7 पेयर जो हैं वो ट्रू रिब्स है जो पीछे स्टर्नम, पीछे वर्टिबल कॉलम से आती हैं और आगे आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, वो कैसी हैं, वो ट्रू रिब्स हैं, ठीक। फिर 3 पेयर जो हैं वो कैसी हो गई, वो फॉल्स रिब हो गई, 7 और 3, 10 हो गई। फॉल्स कैस, फॉल्स किस लिए बोल रहे हैं उनको, क्योंकि वो 7th रिब से आती हैं, ठीक है, वर्टिबल कॉलम से नहीं आती, वो 7th रिब से अटैच होती हैं, ठीक। इतना समझ में आया, 2 और बची 7 और 3, 10 हो गई, 2 बच गई 12 पेयर है ना, तो 2 पेयर हैं वो कैसे हैं, वो फ्लोटिंग रिब हैं, ठीक है, वो सिर्फ हवा में लटकती रहती है, वो स्टर्नम से, इसे वर्टिबल कॉलम से निकलती है, आगे आके स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, वो वहीं ऐसे ही रहती है फ्लोटिंग, मतलब फ्लोटिंग का मतलब है एक तरह से हवा में तैरते रहना, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स कितनी है, 2। फ्लोटिंग रिब्स करती क्या है, फ्लोटिंग रिब के आसपास अपनी किडनी होती है, ठीक है, वो इसको ऐसे कवर करके रखती है किडनी को, इधर से आ रही इधर से। तो फ्लोटिंग रिब जो है ना, फ्लोटिंग रिब प्रोटेक्ट, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, किडनी के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। 7th ये जो फॉल्स रिब है, फॉल्स नहीं, फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग रिब किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, अब देखो स्टर्नम देख ले, रिब समझ में आ गई, 12 पेयर, 7 ट्रू, 3 फॉल्स और 2 फ्लोटिंग, कोई डाउट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टर्नम देख ले, स्टर्नम को बोलते हैं चेस्ट बोन, ठीक है, ये कुछ ऐसी होती है, ये इसका हेड जैसी स्ट्रक्चर है और ये वाला पार्ट जहां पे आके क्या जुड़ती है, इससे रिब्स आके जुड़ती है, ठीक है, चाकू जैसी होती है ये थोड़ी सी, ये वाला जो हेड वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मैनुब्रियम, ठीक है, नाम याद रखना, ये वाला पार्ट होगा इसको बोलते हैं बॉडी, ये इसकी क्या है, बॉडी, और यहाँ पे एक इसके प्रोसेस निकली होती है ऐसे, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीफाइड प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जैसे ये कोई बोन है, इस बोन के साइड से एक बोन और निकली हो ऐसे, है ना, फ्लैट बोन है, देखो एक बोन ऐसी होती है, टॉम एंड जेरी वाले सीरियल में देखते हो ना आप, ऐसी बोन होती है, तो ये अलग बोन है, ये फ्लैट नहीं है, और एक बोन होती है फ्लैट बोन ऐसे, ठीक, और इस बोन से एक बोन और ऐसे निकली हो, जैसे मान लो एक प्रोसेस जैसा निकली हो, एक स्ट्रक्चर बाहर निकली हो, है ना, जैसे ये बोन है, इससे ये स्ट्रक्चर बाहर निकली ऐसे, तो उस इस स्ट्रक्चर को जो बाहर निकली है ना, इसको बोलते हैं प्रोसेस, तो ये वाला, इसके एक प्रोसेस निकला है,
इसको बोलते हैं जीफोइड प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या आके अटैच होती है, रिब्स आके अटैच होती है, दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, इतना समझ में आया। अब रिब केस देख लें, रिब केस, रिब केस के अंदर टोटल बोन कितनी होती है? देखो, रिब केस के अंदर अपन किस किस को काउंट करेंगे? रिब केस मतलब एक तरह से पिंजरा है ना, बोन्स का पिंजरा बनता है। तो पिंजरा कब बनेगा? जब वो चारों तरफ से कवर होगा। तो देखो, इसके अंदर क्या क्या आएंगे अपने पास? बैक बोन आएगी, ठीक है, एक स्टर्नम आएगा, और साइड में क्या आएंगी? रिब्स आएंगी। तो देखो, 24 ये, ठीक, एक स्टर्नम, और बैकबोन के अंदर कितनी होती है? 26। ये कितनी हो गई? 737 हो गई। मतलब रिब केस के अंदर टोटल बोन कितनी होती है? एग्जामिनर आपका बेवकूफ बनाने के लिए कोई भी पूछ सकता है, रिब केस के अंदर टोटल बोन कितनी है? तो कितनी है? 37, ठीक। बैकबोन के अंदर 26 है ना, स्टर्नम एक, और रिब्स, रिब्स कितनी होती है? 24, 12 पेयर होते हैं, तो 24 हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, एक छोटी सी स्ट्रक्चर और देख लो, वर्टिबल कॉलम होते हैं ना, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम जो है वो छोटी छोटी ऐसी बोन से मिलके बना है ना। तो इन बोन की स्ट्रक्चर कैसी है रियल में, ये कैसे हैं? तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, इसके अंदर कुछ ऐसा दिखता है आपका, जो वर्टिबल कॉलम है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये छेद है इसके अंदर, इसको बोलते हैं न्यूरल कैनल, न्यूरल कैनल, ठीक है, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। भाई ये वाली स्ट्रक्चर है ना, इसके बीच में से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो जहां से वो छेद, जो जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल, मैं दिख रही हूं क्या? जहां से जो छेद है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, उस छेद को क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनल बोलते हैं। और रियल में ये स्ट्रक्चर, वर्टिबल कॉलम जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आपका क्लियर है। देखो, आज अपन ने क्या पढ़ा? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन स्कल पढ़ लिया अपन ने, रिब्स पढ़ लिया अपन ने, और रिब केज अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टर्नम कंप्लीट हो गया, यही होता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। फिर कल अपन पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। तो स्कल से शुरू किया था, स्कल के अंदर क्रेनियम, फेसियल और अपनी हायोड बोन और तीन ईयरोसिकल्स, ये पढ़े अपन ने। उसके बाद अपन ने कहाँ आए फिर? अपन आए फिर वर्टिबल कॉलम पे। तो वर्टिबल कॉलम, 7 सर्वाइकल, थोरेसिक 12, 5 लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। कॉकिक्स एक टेल बोन जिसको बोलते हैं, कोकिजियल बोन जिसको बोला था मैंने, उसको कॉकिक्स भी बोलते हैं। एक वो है, वो कितनी बोन से मिलके बनी है? फ्यूज होके बनी है ना वो, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब होता है मिलके बनना है ना, ये बहुत सारी बोन एक साथ एक जगह फ्यूज हो गई। तो कॉकिक्स जो है वो कितनी बोन से मिलके बना है? 4 से, है ना। और सैक्रम जो है, सैक्रम, सैक्रम कितनी बोन से मिलके बना है? 5 से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सैक्रम कितनी बोन से मिलके बना है? 5 से। कॉकिक्स कितनी बोन से मिलके बना है? 4 से, ठीक। फिर अपन ने देखा रिब्स पे आए, रिब्स कितनी? 12 पेयर, ठीक है। 7 जो है वो क्या है? ट्रू। 3 है वो फॉल्स, और 2 है वो फ्लोटिंग है। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोटिंग रिब्स जो है वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। सॉल्व, कल अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम देखेंगे, और आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स बॉक्स में आपको कैसी लगी क्लास, और अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते रहो आप लोग। डिस्टर्ब मत होना बिल्कुल भी, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना है अपने को, सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करनी है। अभी थोड़े दिन बचे एग्ज़ाम के, मेहनत कर लो, ठीक।
वरना तो फिर एक साल फिर से आपका खराब हो जाएगा। तो आप साल खराब करने के टाइम जो है बहुत कीमती है, तो मेहनत करो थोड़ा सा, जितना कर रहे हो ना अपनी तरफ से जितना कर सकते हो ना बेटा उतना करो, जितना आप मेहनत कर सकते हो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दो, है ना। बाद में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।